नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप अपने अपने घरों में स्वस्थ सुरक्षित हैं। देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारा पाठ 11 है, अनूठा गुजरात। अनूठा गुजरात चैप्टर में हमने गुजरात की स्थापत्य कला, गुजरात की सभ्यता, गुजरात की संस्कृति, गुजरात के विषय में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त की। हमने ये जाना कि गुजरात में प्राचीन काल में किस तरह से रहन सहन था, गुजरात में आज आधुनिकता में का रहन सहन क्या है, और गुजरात में प्राचीन और आधुनिक दोनों ही संस्कृतियों का किस प्रकार से मिलन किया गया है, गुजरात किस प्रकार अपने आप को अग्नि रख रहा है, और गुजरात किन किन क्षेत्रों में अपने को स्थापित कर रहा है, और गुजरात के बारे में अर्थात इसके बारे में हमारे भारत देश के गौरव की महानता कितनी बढ़ रही है, और इस राज्य की वजह से हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो स्थापत्य कला है, वो कितनी अग्रसर होती जा रही है। तो आज हम करते हैं बच्चे इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, क्योंकि इसके मौखिक प्रश्न और इसके लघु उत्तरीय प्रश्न हम अपने प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। तो देखिए, लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, किन व्यक्तियों ने गुजरात को और महत्वपूर्ण बना दिया और कैसे। तो देखिए बच्चों, नरसिंह मेहता, दयाराम, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तथा सुप्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी रणजी ने रणजी जैसे व्यक्तियों ने गुजरात को अत्यधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। अत्यधिक महत्वपूर्ण बना दिया है इन सभी लोगों ने भारत स्वतंत्रता दिलाने में। भारत को स्वतंत्र कराने में अपना क्या किया, महत्वपूर्ण योगदान दिया,
और साथ में भारत की प्रगति में क्या किया बेटा, अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर इन लोगों की वजह से भारत की आजादी में इनका एक योगदान है और जिसकी वजह से गुजरात का महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप कैसे कह सकते हैं कि स्थापत्य शिल्प की दृष्टि से गुजरात काफी प्रसिद्ध है। स्थापत्य शिल्प से देखिए बच्चों, स्थापत्य शिल्प की दृष्टि से गुजरात काफी प्रसिद्ध है। यहां के रुद्र महल है, सिद्धपुर महाकाली मंदिर, द्वारिकानाथ मंदिर, शत्रुंजय पालीताना, के जैन मंदिर, देखने या मंदिर दर्शनीय है। क्या क्या है बच्चों, यहां पर रुद्र महल है, सिद्धपुर महाकाली का मंदिर, पावागढ़ के मंदिर, दलतेश्वर, द्वारिकानाथ मंदिर, शत्रुंजय, पालीताना के जैन मंदिर, द्वारिकानाथ मंदिर और इसके साथ साथ अहमदाबाद और सूरत के बहुत लघु मंदिर। अहमदाबाद तथा सूरत के लघु मंदिर काष्ठ शिल्प की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। काष्ठ शिल्प अर्थात लकड़ी के शिल्प की दृष्टि से, ये सब तो क्या है पत्थरों के बने हुए हैं, लेकिन ये जो है अहमदाबाद और सूरत के लघु मंदिर ये किसके बने हुए बच्चों, लकड़ियों के बने हुए हैं। तो अहमदाबाद क्या है स्थापत्य की दृष्टि से श्रेष्ठ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहां पत्थरों के मंदिर नहीं लकड़ियों के मंदिर भी बनाए गए हैं और इसी वजह से गुजरात की क्या है बहुत ही स्थापत्य की वजह से बहुत ही क्या है फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात आने वाले पर्यटक क्या खरीदना नहीं भूलते और क्यों, यानी यहाँ पर जो आते हैं घूमने वाले वो क्या खरीदना नहीं भूलते और क्यों नहीं भूलते। देखिए गुजरात आने वाले पर्यटक जामनगर की बांधनी साड़ी, पाटन का रेशमी वस्त्र, पाटन का रेशमी वस्त्र, पटोला खिलौने, खरीदना नहीं भूलते हैं। क्योंकि
द्वितीय है तथा इनकी एक विशेष पहचान है तथा इनकी एक विशेष पहचान है। देखिए क्या क्या है खरीदते हैं बोलते हैं वो जामनगर की बांधनी साड़ी, वो जामनगर की बांधनी साड़ी खरीदते हैं, पाटन का रेशमी वस्त्र खरीदते हैं, वहां से पटोला खिलौने खरीदते हैं, साथ में पालन सुविधा इत्र खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि क्या अपने आप में अद्वितीय है, अद्वितीय यानी ऐसे सामान कहीं और नहीं मिलते, क्योंकि वहीं का फेमस है, वहीं का प्रसिद्ध है और इनकी अपने आप में क्या है विशेष पहचान है। अगला देखिए गुजरात की वास्तुकला शैली क्यों विख्यात है और यह कहाँ संरक्षित है बच्चों वास्तुकला शैली? तो देखिए गुजरात की वास्तुकला शैली भव्यता तथा आलंकारिता अलंकारिता के लिए विख्यात है जो सोमनाथ मंदिर थान गिरनार आदि मंदिरों में संरक्षित है जो बरबस ही पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं, अपनी ओर आकर्षित करती हैं। कहाँ क्या क्या है? वहां की वास्तुकला शैली भव्यता और अलंकारिकता के लिए प्रसिद्ध है, यानी वहां की जो वास्तु शैली है वो बहुत भव्य है और अलंकारिक रूप से बहुत ही प्रसिद्ध है। वहां पर संरक्षित कहां पर है बच्चों? सोमनाथ के मंदिर में, थान में और गिरनार, ये प्रसिद्ध मंदिर है वहां के, सोमनाथ का मंदिर, थान का मंदिर और गिरनार का मंदिर आदि और भी मंदिर है, उन सभी में क्या है संरक्षित है जो बरबस ही पर्यटकों यानी बरबस यानी बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यटन की दृष्टि से यहाँ देख रही हो कौन से स्थल है? तो लिखिए इसका आंसर, यह एक समृद्ध राज्य है, यह एक समृद्ध राज्य है, यहाँ रॉयल पैलेस सरदार सरोवर बांध, रॉयल पैलेस सरदार सरोवर बांध, द्वारिका धीश मंदिर, हाजीपुर की दरगाह, गिरवन राष्ट्रीय पार्क, लोथल में ढोगा मीरा,
बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, इनके अलावा भी हैं, जैसे हम कहते हैं कच्छ का रेगिस्तान, कीर्ति मंदिर, साबरमती आश्रम, लक्ष्मी विलास पैलेस और वॉटसन म्यूजियम, ये भी है। लेकिन सभी को लिखे यहाँ आधी आधे बात है कि यहाँ पर क्या समृद्ध राज्य है, गुजरात एक बहुत समृद्धशाली राज्य है। यहाँ पर क्या है बच्चों, देखिए यहाँ यह कुछ क्षेत्रों में अग्रणी है, कुछ क्षेत्रों के लिए कच्चा माल उत्पादन करवाता है, स्थापत्य शैली में, वास्तु शैली में भी इसका एक श्रेष्ठ योगदान है। इसके अलावा यहाँ के लोगों का योगदान है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में योगदान है, हमारे खेल के मैदान में, हर क्षेत्र में यहाँ का योगदान है। इसलिए यह राज्य कैसा है, एक समृद्ध राज्य है। क्या है यहाँ के राज्य में, क्या है प्रॉस्पेरिटी है, एक समृद्धशाली राज्य है। जहाँ पर क्या है बच्चों, रॉयल पैलेस, सरदार सरोवर बांध, द्वारिकाधीश मंदिर, सोमनाथ का मंदिर, हाजी मीर की दरगाह, गिरवन राष्ट्रीय पार्क, लोथल व धोलावीरा। देखिए लोथल व धोलावीरा क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख हिस्से, कुछ प्रमुख स्थान सिंधु घाटी सभ्यता से क्या रिलेटेड है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लक्ष्मी विलास पैलेस है, वॉटसन म्यूजियम है, और भी बहुत सारे स्थान है जो क्या है देखने योग्य है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन हमने आज सॉल्व किए हैं, इन सभी क्वेश्चनों के माध्यम से हमने इस चैप्टर को वापस डिस्कस किया, इस चैप्टर को वापस जाना, वापस समझा। आज इन क्वेश्चन में से आप इन क्वेश्चन को अपनी कॉपी में करें, और आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।